हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियोस के लिए कैसे एक अट्रैक्टिव और ऑसम थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री। सो वेलकम टू टेकटिंच। सो सबसे पहले आप canva.com को भी अपने जो फेवरेट ब्राउजर है उसमें खोल लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे चाहे तो आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब आपको यहाँ पे ये वेबसाइट खोल लेंगे तो ये इसका होम पेज है, और उसके बाद आपको ये टेम्पलेट में चले जाना है। तो यहाँ पे ऑल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे आपका यूट्यूब हो और इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, या और कोई प्लेटफॉर्म है, तो उस सारे प्लेटफॉर्म के लिए आपको यहाँ पे यहाँ से टैंपलेट मिल जाएगी। सो आपको उसके साइज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडीमेड टैंपलेट बनी हुई है। सो अब सिर्फ आपको कोई भी टैंपलेट उठा लेनी है जो आपको फ्री अवेलेबल है, और उसको कस्टमाइज करके आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, और उसको अपने यूट्यूब के वीडियो के लिए जो है इस्तेमाल कर लेना है। सो ऐसे जैसे मैं यहाँ पे कोई टैंपलेट उठा लेता हूँ, और YouTube के लिए हम थंबनेल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं और उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी टेम्पलेट है। आप चाहे तो उसमें जो फिल्टर है अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने फ्री टेम्पलेट लिए ले लिया है, और इसमें फ्री टेम्पलेट में जो ये टेम्पलेट्स मेरे सामने आ रही हैं इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और उसको मैं अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। सो मैं ये कोई भी टेम्पलेट यहाँ से उठा लेता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर हैं। आप चाहे उसको जो है कलर के अकॉर्डिंग, या बहुत सारे फिल्टर आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप टेम्पलेट को सर्च कर सकते हैं। सो लेट मी चूज ए टेम्पलेट सो दैट आई कैन शो यू हाउ टू कस्टमाइज ए टेम्पलेट एंड मेक ए टेम्पलेट आउट ऑफ दैट टेम्पलेट। सो ये मैंने चूज कर लिया है, और यहाँ पे क्लिक टू कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद ये टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरीके से। सो देखिए यहाँ पे ये टेम्पलेट खुल गया है, और इस पे जो है टॉप 10 टिप्स फॉर गुड हेल्थ, और उसके बाद यहाँ पे एक इमेज भी लगा हुआ है। और यहाँ पे आप चाहें सबसे पहले आप इस टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो यहाँ पे आइकन दिए, एलिमेंट दिए हैं, और अपलोड और बहुत सारी तमाम चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ से चाहें जो भी आपको अवेलेबल है, और आप अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जो है आप बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से इमेजेस और वीडियोस वहाँ से ले सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, जैसे पैक्सल है, पिक्सबे है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसको अपने थंबनेल में यूज़ कर लीजिए। वैसे तो बहुत सारी इसमें कैनवा ने ऑलरेडी बहुत सारी अवेले आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। सो देखिए कोई भी टैक्स यहाँ पे उठा के टैक्स बॉक्स, और यहाँ पे आप जो है फॉन्ट टाइप भी चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है इमेज भी सर्च कर सकते हैं। सो इस तरह जो है आप बहुत सारे ऑपरेशन और बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो देखिए यहाँ पे मैंने अगर हेल्थ का सर्च करता हूँ तो बहुत सारे जो है यहाँ पे पेड इमेजेस आ रही हैं। सो ये मैंने फ्री फ्री थी, तो इसको इसको मैंने ऐसे यहाँ पे जाके कर सकते हैं। और आप में जो थंबनेल का जो है जो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पैलेट दी गई, कलर पैलेट जो जो अपने ब्रांड की आपकी जो कंपनी का ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग जो पैलेट आपने चूज की होगी उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नहीं तो आप एक एक पैलेट पे जाके उसको जो है अपने अकॉर्डिंग सुटेबल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको मैं मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे जो फोन टाइप दिया गया है वो भी आप फोन टाइप यहाँ पे चूज कर सकते हैं पैलेट के अकॉर्डिंग। सो इस तरह जो आप अपनी थंबनेल को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो मैं जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ताकि जो आपका जो है थंबनेल होना चाहिए यूट्यूब का वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें जो आप टेक्स्ट लिखें और जो उसमें कलर हो वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करे, और टेक्स्ट जो है बहुत अच्छे से विजिबल हो, ताकि कोई बंदा आपको आपकी जो वीडियो का थंबनेल देखे तो उसको समझ में आए कि क्या लिखा है, और बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल आपको फॉन्ट लेने हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंसी लोगे तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, एकदम से आई कैची नहीं होगा और वो रीडेबल नहीं होगा। सो इसलिए हमें सिंपल फॉन्ट लेने हैं, और उसका साइज़ भी हमको ठीक ठाक रहना है, ताकि वो दूर से ही विजिबल हो। सो इस तरह हमको यहाँ पे बहुत सारे टैक्स दिए हुए हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने थंबनेल में। और तो हम एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अपलोड में देखो मैंने इतने सारे यहाँ पे जो इमेजेस हैं और ये अपलोड कर रखी हैं, और यहाँ पे जो आप हाँ ये सब्सक्राइब का बटन जो है आप लगा सकते हैं अपने थंबनेल में, ताकि उनको लगे कि हाँ बंदा सीरियस है और यूट्यूब पर वीडियो जो है रेगुलरली
अपलोड करता है, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आप लगाएंगे तो हो सकता है वो सब्सक्राइब भी कर दे। सो इस तरह जो है आप जो है एडिट पे इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ब्राइटनेस, सैचुरेशन और उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप शेडो पे क्लिक करेंगे तो इसका जो आइकन है बटन सब्सक्राइब बटन का जो शेडो आ रही है वो यहाँ पे विजिबल नहीं है आपको, क्योंकि इसके बैकसाइड में या नीचे आ रही है और ये बिल्कुल बॉटम पे रख दिया है मैंने। तो इस तरह जो है आप इसकी शेडो को चेंज कर सकते हैं, और भी हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे विजन सिमुलेटर है या शेडो कोई अगर हम देखना चाहें कर्व शेडो हमें चाहिए तो यहाँ पे नीचे बॉटम पे वो कर्व शेडो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे विजन सिमुलेटर पे क्लिक करें तो इसका देखो विजन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बहुत अच्छा इसका लुक बन जाएगा, इस तरह का जो डार्क ग्रीन या डार्क ग्रे। तो इस तरह हम इसको विजन सिमुलेटर इसका यूज़ करके इसका जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं ये सब्सक्राइब बटन को। फोटोजेनिक में भी आप इसमें आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे उसको चूज़ कर लीजिए, और मैंने डार्क ब्रिक रेड मैंने इसके सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पेंट इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और भी यहाँ तमाम जो है इफेक्ट आपको दिए गए हैं, फिल्टर दिए गए हैं, और उसके बाद आप क्लिक अप्लाई कर दीजिए तो वो जो है इफेक्ट या वो फोटोजेनिक इफेक्ट आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो ये तो रहा बात एक इमेज के लिए। अब हम टेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ये फॉर गुड हेल्थ ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ये बेबस न्यूज सिरिलिक फॉन्ट ले लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्पेस कम घेरता है और ये जो है इसकी हाइट ज़्यादा रहती है तो ये इजीली समझ में आ जाता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सो इस तरह, मगर ये अब जो है फॉन्ट जो है एक दूसरे में घुस गए हैं तो इसको थोड़ा सा मुझे स्पेस देना पड़ेगा। सो ऊपर से मैं इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसके मैं बीच में फॉन्ट्स के बीच में मैं जो लेटर्स हैं उसके बीच में मैं थोड़ा सा गैप कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे आप लाइन स्पेस और लेटर स्पेसिंग आएगा, और नीचे क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग तो लाइन के बीच में जो स्पेस रखना है वो आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड इसका जो है ब्लैक हो जाएगा, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ब्लैक हो गया, और मैं क्लिक कलर पे क्लिक करूंगा तो इसका यहाँ से जो आप बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टाइल दी गई है, यहाँ पे स्टाइल से आप कुछ भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कलर को हटा भी सकते हैं, क्योंकि हटा दे तो अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और ये जो कलर है इस पर कम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। सो इस तरह आप जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए थंबनेल के लिए वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, पिक्साबेस से मैं डाउनलोड करता हूँ। तो लेट मी डाउनलोड ए बैकग्राउंड इमेज फॉर दिस थंबनेल। सो मैं टाइप करता हूँ हेल्थ यहाँ पे, और यहाँ पे हेल्थ का कोई मेरे ये वाला ही ले लेता हूँ। तो इसको लाइसेंस फ्री फॉर कमर्शियल यूज़। सो ओके, सो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ क्विकली। सो मैं इसको देखो अपलोड कर लूँगा, और अपलोडिंग जहाँ डाउनलोड में मैंने अपलोड किया इसको यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, और ये देखो ये बहुत क्विकली अपलोड हो जाएगा यहाँ से। और फिर मैं इसको ट्रैक करके अपने यहाँ पे थंबनेल पे बैकग्राउंड इमेज पे लगा दूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे कलर जो आ रहे हैं ये क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ का एक इमेज भी होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और एक दूसरे को मतलब वो शो भी करना चाहिए कि जो मेरा थंबनेल है उसके और जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो इमेज भी होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें और एक वैल्यू प्रोवाइड करें थंबनेल को। ऐसे नहीं मैं बदल इररिलेवेंट चीज़ लगा दूँ कुछ भी और वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट ना करें, और इमेज कुछ और है और टेक्स्ट कुछ और है, तो इमेज और टेक्स्ट जो है रिलेटेड होना चाहिए, ताकि जो आपका जो व्यूअर है वो समझ जाए कि हाँ ये चीज़ ये वीडियो इस चीज़ की है, और दोनों को समझ में आए, दोनों एक दूसरे को जो है रिलेटेड हों एक दूसरे के। सो ये हेल्थ का थंबनेल बनाया 10 टिप्स फॉर गुड हेल्थ। सो इसलिए मैंने हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है सेट कर दिया है। अब जो बैकग्राउंड है और यहाँ पे जो है फॉर गुड हेल्थ है, इसका जो है दोनों में थोड़ा फॉन्ट सेट नहीं बैठ रहा है, तो उसको फॉन्ट में कर देता हूँ। और आप कॉपी करना चाहे तो जैसे कंट्रोल भी करते हैं सेम यहाँ पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट कह लो कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वैसे इसकी टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो कोई भी हमें ऑब्जेक्ट लिए कॉपी करना है तो सीधा कंट्रोल उस पर सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी दबा देंगे, और जहाँ पेस्ट करना है कंट्रोल भी दबा देंगे। तो इसलिए मैंने ऊपर से कॉपी करके ऑब्जेक्ट नीचे डाल दिया है, और देखो मैं टाइप कर रहा हूँ फॉर गुड। सो इस तरह 10 टिप्स फॉर गुड हेल्थ।
सो ये मुझे लिखना है, और मैंने दोबारा कॉपी किया और ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग कर दिया और पेस्ट कर दिया। सो इस तरह आप जो है वो भी करके वही ऑब्जेक्ट को यहाँ अपने थंबनेल में कहीं भी कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है और कॉपी पेस्ट करना है, इमेज लगाना है और उसको जो है फिल्टर डालना है और बस अट्रैक्टिव बनाना है ताकि उस पर क्लिक थ्रू रेट बढ़े और ऑब्वियसली आपका जो है व्यूवर्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सो इस तरह, और इसमें थोड़ा जो है अब मैं थोड़ा सा और कुछ मॉडिफाई करता हूँ। सो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे इसका एनिमेशन चल गया है। सो इस तरह हम क्लिक करते हैं तो 5 सेकंड का एनिमेशन दिया गया है हर ऑब्जेक्ट के लिए। सो इस तरह यहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे नीचे गिफी, तो गिफी का कोई भी यहाँ पे आप डाल दीजिए अपने उसके लिए, मगर ये चूंकि इमेज है, थंबनेल जो है इमेज है तो हम गिफी नहीं लगाएंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह अगर आप जैसे कुछ लोग जो है जब YouTube वीडियो शुरू होती है तो इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं थंबनेल ऐसे ही उसको वीडियो डाउनलोड करते हैं और उसको वहां लगा देते हैं ताकि आप उसके बारे में थोड़ा इंट्रो दे सकें। सो हम यहाँ पे गिफी लगा देते हैं, गिफी लगा के बताया मैंने आपको, और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं मोर पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हैं। चार्ट भी लगा सकते हैं आप, जो अगर आपका थंबनेल चार्ट से रिलेटेड है या कुछ डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है तो आप चार्ट भी लगा सकते हैं ताकि व्यूवर्स को लगे कि हाँ जो है कुछ थंबनेल जो है मतलब डेटा और स्टैट्स के रिलेटेड है। और इसके अलावा हम जो है अभी इमोजीज भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हमें दोबारा एलिमेंट भी जाएँ तो देखिए कितने सारे आपको एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्रेम भी लगा सकते हैं, अगर फ्रेम जैसे आपको आपने सर्कुलर कोई इमेज लगानी है यहाँ पे तो अपना इमेज भी सेट कर सकते हैं। जैसे थंबनेल पे लगाते हैं अमूमन लोग अपनी इमेज लगा देते हैं और यहाँ पे बाकी टेक्स्ट लगा देते हैं। और यहाँ पे आप जो ये पिक्चर्स आपको दी गई हैं, वैसे रैंडम कोई चीज पिक्चर्स उठा के अगर वो कम्प्लीमेंट कर रही है आपके थंबनेल को तभी लगाएं, कोई रैंडमली कोई भी उठा के कैनवास से लगा दें वो सही नहीं रहेगा, वो और नेगेटिव इम्पैक्ट मार देगा आपके थंबनेल पर। सो आपको कोई भी चीज़ जो रखनी है वो इस तरह रखनी है ताकि वो चीज़ वैल्यू ऐड करे आपके थंबनेल पर, ऐसे ही भी रैंडमली कुछ भी आप नहीं लगाएं। आपके थंबनेल को बहुत सिंपल रहना है और ये एक वैल्यू ऐड करे थंबनेल आपकी वीडियो को लिए, और जो आपका टेक्स्ट है वो इमेज है वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करे, और थंबनेल को देखकर ही व्यूवर्स को समझ जाना चाहिए कि ये वीडियो किस बारे में है, और एग्जैक्ट वही जो है आप वीडियो में बताएं जो आपने थंबनेल बनाया है। सो इस तरह आप बनाएंगे और इस तरह आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल पे व्यूज आएंगे और क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और आपका फायदा होगा। सो इस तरह जो है एलिमेंट्स पे बहुत सारे एलिमेंट दिए गए हैं, ये भी कोई भी एलिमेंट आप चूज़ कर सकते हैं। और अपलोड में मैंने आपको बताया कि कोई अगर आपके पास इमेज लानी है पिक्सलवे से या पिक्सल से पिक्सलवे से तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहां से कोई भी जैसा टैक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं ये जो फैंसी टैक्स हैं आप यहां से लग सकते हैं। और यहां पे जो कि ये आपका पैराग्राफ लाइन या सेंटेंस लाइन और ये सब हेडिंग और ये जो है आपकी हेडिंग लाइन, सो इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बड़ी इससे छोटी उससे छोटी, सो इस तरह आप जो है इसको कर सकते हैं। और आप किसी को हटाना चाहें तो सारा उसको कंट्रोल सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सेव डिलीट कर दीजिए, अगर सारा डिलीट कर देंगे तो फिर वो डिलीट हो जाएगा इस तरह, और ये भी डिलीट हो गया था तो कंट्रोल जी मार दीजिए वो अंडू हो जाएगा। सो इस तरह आपका जो है कर सकते हैं। अब ये जो इसको मैं पूरे टेक्स्ट को मिडिल में पेस्ट कर सकता हूँ, सेंटर में, लेफ्ट में, सो कहीं भी मैं पेस्ट करता हूँ, सारे को सेलेक्ट करके उसको जो है पोजिशन उसकी बना दीजिए कहाँ आपको पुट करना है ये। उसके बाद आप जो है इमेज को एडिट कर दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए जैसे आप करना चाहे वैसे कर दीजिए, फिर उसको अप्लाई भी कर दीजिए, फिर जो यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं फिल्टर्स आप अपनी मर्जी से जो है चूज़ कर लीजिए, सोलर जैसे सोलर अच्छा लग रहा है मैंने सोलर लगा दिया इस पर। सो इस तरह आप जो है फिल्टर्स लगा दीजिए अपनी इमेज पे, जो बैकग्राउंड इमेज है उस पर फिल्टर्स लगा दें या पूरे थंबनेल पर लगा दीजिए। सो इस तरह आप जो है कर सकते हैं। आप देखें मॉकअप्स, सो मॉकअप्स भी लगा सकते हैं आप, जैसे ये इसके मोबाइल में जो है ये इमेज आ गई है, सो इस तरह आप मॉकअप्स भी लगा सकते हैं। सो लेट मी गो बैक, ओके। सो इस तरह जो है आप जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने थंबनेल को बना सकते हैं, और यहाँ से आप जो है स्मार्ट मॉकअप्स ले सकते हैं। जैसे ये इसके लैपटॉप स्क्रीन पे ये आपका जो अपने बैकग्राउंड इमेज लगाया था वो आप मॉकअप्स एज ए मॉकअप यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे आपके मॉकअप्स यहाँ टेम्पलेट दिए गए हैं या ये आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा आप जो है इसमें एडिट इमेज करने के बाद नीचे जो है फोटो डिजाइनिंग इफेक्ट में जा सकते हैं और इस पे देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और जो कम्प्लीमेंट करे आपके यूट्यूब थंबनेल को आप वही चूज़ कीजिए, रैंडमली कुछ चूज़ मत करना। और फिर उस पर एडिट इमेज के एडिट इमेज पे क्लिक कर देंगे और नीचे जो पेंट इफेक्ट है वो देख लेते हैं। जो पेंट इफेक्ट ये आपका थंबनेल को एज ए पेंट इमेज बना देगा, जैसे पेंटिंग से हमने बनाया है, सो इट इज़ अप्लाइंग दैट इफेक्ट। सो देखिए ये कम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इस तरह हम कम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने YouTube थंबनेल को। और यहाँ पे विजन सिमुलेटर है, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको चूज़ करना है, और सी ऑल करेंगे तो सारे दिख जाएंगे आपको, मगर मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत हो गया है। और आप नीचे जो ये ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह जो है आप यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आपकी इमेज के किसी पार्ट को ब्लर करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप जो है किस पार्ट को ब्लर करना चाह रहे हैं वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए ब्लर, और यहाँ पे कर दीजिए ब्लर और वो ब्लर हो जाएगा। सो इस तरह आप ब्लर कर सकते हैं इमेज को, कैंसिल कर दीजिए तो वो अनडू हो जाएगा। सो इस तरह जो है आप अपने थंबनेल को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं शेडो, पूरी इमेज पर शेडो लगाना है। पहले मैंने बटन के ऊपर दबाया सब्सक्राइब बटन के ऊपर ही शेडो लगा के, अब पूरी इमेज पर मैं लगा पूरे थंबनेल पर तो वो इस तरह का शेडो दिखा रहा है, यहाँ पे शेडो आ गई राइट साइड में। सो इस तरह आप जो है शेडो भी लगा सकते हैं, मगर शेडो इसमें इतना अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं सेट शेडो नहीं लगाते। उसके बाद में ये जो आपको फैंसी टेक्स्ट दिए गए हैं वो आप लगा सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं इमेज को, जैसे फ्लिप कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टली तो इस तरह आप इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे फन के लिए जैसे एनिमेशन, तो एनिमेट कर सकते हैं आप थंबनेल को, मगर थंबनेल एनिमेट नहीं होगा क्योंकि वो एज ए फिर वीडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने वीडियो में आप इंट्रो के तौर पर आप ये जो है एनिमेटेड थंबनेल लगा सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। सो यहाँ से देख लेंगे कौन सा इफेक्ट आपको लगाना है और फिर वो आपका एनिमेशन लगाना है, जो एनिमेशन लगाना है वो आपको चूज़ कर लीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जो फोटो मूवमेंट है ये तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, मगर जो जो भी अच्छा लगे वो आप लगा दीजिए। और फिर आपको ऐसे इसको एज ए MP4 वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी प्रिंट कर सकते हैं, JPG, PNG और GIF भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मैंने ये अगर एनिमेटेड ये थंबनेल बनाना है तो MP4 डाउनलोड करना पड़ेगा, और एज ए इमेज अगर चाहिए तो आप JPG या PNG डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरह जो है आप जो है, और आप अपनी डाउनलोड सेटिंग को सेट करना चाह रहे हैं तो आप सेव सेटिंग्स भी कर सकते हैं। सो बहुत तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पे कैनवा प्रोवाइड करा रहा है। सो इस तरह आप कैनवा का यूज़ करके जो है एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। सो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और आप प्रीव्यू कर सकते हैं किस तरह का आपका ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं, मिनिमम 0 to 100%, आप जो भी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहे वो आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। यहाँ पे आप कलर कर सकते हैं, मैं नहीं करना कलर, वो आप देख लेना आपको अच्छा लगे। तो इस तरह जो है आप जो है ओवरऑल एक थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। और कोई भी टैक्स आपको यहाँ पे फैंसी टैक्स जो आपको आ रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने थंबनेल पर रख के देख सकते हैं, जैसे लेवल अप मैंने रख के देख लिया। तो इस तरह आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसका साइज़ को, ये ड्रैग कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, इस पर क्लिक करेंगे आप इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट करूँगा भाई ये ऊपर भी आ रहा है वैसे डिलीट, कीबोर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह जो है आप फैंसी टैक्स को अपने थंबनेल पर लगा सकते हैं, कोई भी जो ये फैंसी टैक्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। सो दिस वॉज ए शॉर्ट ट्यूटोरियल फॉर क्रिएटिंग द यूट्यूब थंबनेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।